इंजन बौली फलकनुमा हैदराबाद में एक किडनैपिंग का वाकया पेश आया। दरअसल ये वाकया मेट्रो जिम के करीब बीबी का चश्मा फलकनुमा में पेश आया और तकरीबन 13 अक्टूबर को शिकायत कुनिंदा ऑफरीन बेगम उम्र 26 साल ने शिकायत दर्ज करवाई थी कि ऑफरीन के हस्बैंड मोहम्मद अली को किडनैप करते हुए गुलबर्गा ले जाया जा रहा था। शिकायत कुनिंदा की कार्रवाई पर शिकायत करते हुए पुलिस ने 6 मुलजिमान की गिरफ्तारी अमल में लाई। मुलजिमान की शिनाख्त कुछ इस तरह से की गई, मोहम्मद हमीद उम्र 24 साल, मोहम्मद सिराज खान उम्र 42 साल, अमजद खान उम्र 48 साल, सैयद ख्वाजा शरफुद्दीन उम्र 26 साल, मोहम्मद रहीम पाशा उम्र 42 साल और मोहम्मद शेख आसिफ उम्र 25 साल के तौर पर की गई। केस के मुख्तसर से हकायक ये है कि मुलजिम जुबैर, जो कि मोहम्मद अली के दोस्त है और जुबैर के एक और दोस्त हमीद से जुबैर ने कर्ज लिया था और इसके लिए श्योरिटी के तौर पर मोहम्मद अली को बीच में रखा गया था और इसी के लिए मोहम्मद अली को किडनैप करते हुए हमीद का घर बताने के लिए यह किडनैपिंग की गई। मोहम्मद अली की बीवी की शिकायत पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने 6 मुलजिमान की गिरफ्तारी अमल में लाई। आइए जानते हैं इस खसूस में तमाम तर तफसील। तो किडनैप करके यहाँ से लेके गए गाड़ी में, ले जाके गुलबर्गा में जो है ना मानने की प्लानिंग कुछ थी। तो फिर हमारे यहाँ से लखनऊ पीएस से लोग जवान जो है ना यहाँ से फोन करके वहाँ पे गुलबर्गा पीएस में इन्फॉर्मेशन करे, तो वहाँ के पुलिस वाले आके जो है ना पकड़ लिए हम लोग को। मेरे को तो सेफ साइड हो गया वही। फिर वहाँ से हैदराबाद से पुलिस आ गए, मेरे यहाँ से गुलबर्गा लेके गए। यहाँ से मेरे नाम दोस्त जुबैर है, उन्होंने पैसे अमित के देना है। अमित मेरे को 30,000 रुपये, 30,000 के लिए जो है ना मेरे को खाली पीली टॉर्चर करे खेलना। तो यहाँ से गुलबर्गा घर पे से आगे लेके जाके गुलबर्गा लेके गए। फिर मारे करे मेरे को अमित और सिराज दोनों मिल के मारे। उसके बाद जो है ना वहाँ पे गुलबर्गा गया, बाद वहाँ की पुलिस आ गए, हम लोग को ले लेके पीएस में बिठा दिया। कितने लोग? इतने 4 लोग, 5 लोग थे उसमें, सिराज और अमित और अवैध और अमजद बोल गया, दूसरा का नाम का आइडिया नहीं है मेरे को। मेरे को सिराज और अमित दोनों मारे। सिराज क्या करते? सिराज कुछ रिपोर्टर है बोल के बता रहे थे उन्होंने। कौन से चैनल के? वो तो आइडिया नहीं है मेरे को। पैसे कौन किसके बाकी थे? अमित के पैसे बाकी थे, जुबेर मेरे दोस्त, उनका रोल 30,000। उसमें मेरा रोल ही नहीं है। मेरा नाम अली मिर्जा है। कहाँ के रहने वाले? मैं फलकनुमा का रहने वाला, मदीना कॉलेज में लोकेशन हूँ। ये किडनैप का हादसा हल करे सो है फलकनुमा पुलिस स्टेशन में, जो इमीडिएट रेस्पॉन्ड होके जो किडनैप हुआ है उसको रेस्क्यू करे सो केस है। ये केस में फलकनुमा पुलिस स्टेशन के जिम्मेदार के आदिरेड्डी और उनकी टीम टाइमली रेस्पॉन्स होने से एक किडनैप जो हुआ उसको, एक विक्टिम को रेस्क्यू करा हुआ है। केस फैक्ट ऐसे है कि 13 तारीख के मिडनाइट या 13 या 14 मिडनाइट में 23:45 आवर्स टाइम पे, यानी कि 12:45 के टाइम पे एक अफरीन बेगम लड़की पुलिस स्टेशन को आके इन्फॉर्मेशन देती है कि उसके हस्बैंड अली, मोहम्मद अली को मोहम्मद हमीद एंड अदर्स किडनैप करके लेकर गए। और जो ले जाने की वजह यह है कि उनके दोस्त जुबैर, अली के दोस्त जुबैर ने इनसे कर्जा उधार लिए सोए थी 30,000 और वॉशिंग मशीन और फ्रिज लेने के लिए, और जो वो अगर वो पैसे ना रिटर्न करने के वजह से इनको किडनैप किया गया, क्योंकि अली उनका घर जानते हैं, वो कर्नाटक में इनका ससुराल है, उसका एड्रेस जानते हैं, उधर ले जाने के और घर बताने के धमकी देते हुए उधर लेकर गए। अगर एड्रेस नहीं बताए वहाँ पे, वहाँ अगर जुबैर नहीं मिला तो आपको हस्बैंड, आपके शोहर को जानलेवा खतरा भी रह सकता बोल के डरा है। तो इस सिलसिले में इमीडिएट उन्होंने पुलिस स्टेशन को अप्रोच हुए कंप्लेंट करने पर। उस दिन हालांकि उस दुर्गा माता का इमर्शन भी था, तो उतने बिजी रहने पर भी फलकनुमा इंस्पेक्टर एंड हिज टीम टाइमली रेस्पॉन्ड हो गए टेक्नोलॉजी यूज करके। जो ये पता चला कि वो लोग कर्नाटक का गुलबर्गा में है, तो वहाँ के जो जिस एरिया में वो लोग है वो इंफॉर्मेशन सुल्तानपुर पुलिस लिमिट्स में रहते, सुल्तानपुर इंस्पेक्टर को यहाँ से अलर्ट किया गया। उन्होंने सुल्तानपुर इंस्पेक्टर कर्नाटक के भी टाइमली रेस्पॉन्ड होके ये लोग जो सस्पेक्ट व्हीकल है उसको इंटरसेप्ट करके, ये उसमें जब उसमें कौन कौन है क्या है नामा पूछे, तो अली ने जब पुलिस को देख के हिम्मत से आके बोले कि साहब ये लोग मेरे घदराव से किडनैप करके ला रहे हैं बोल के, तो इमीडिएट उनको रेस्क्यू किया गया और वहाँ के पुलिस स्टेशन को भेजा गया और हमारे को इन्फॉर्मेशन बेसिंग इन्फॉर्मेशन आते ही यहाँ से महेश SI एंड हिज टीम जाके उनको लेके आए। अभी केस इन्वेस्टिगेशन जारी है, इसमें पूरे 6 लोग अभी तक गिरफ्तार हुए सो है
मोहम्मद हमीद, मोहम्मद सिराज, सिराज खां, अमजद खां, सैयद शरफुद्दीन उसका अलियास उबैद है, मोहम्मद रहीम पाशा, मोहम्मद शेख आसिफ, ये लोग को ऑफिशियली हम रिमांड कर देके अभी कोर्ट को भेज रहे हैं। वैसे इनको फिर कस्टडी को लेके जिन जिन इन्वॉल्वमेंट है वो लेंगे। जैसे इनको ये बाद में और एक पता चला कि ये केस के जो ये उधार जो लिए कर्जे के सिलसिले में ही जुबेर के भाई को एक दो दिन पहले ये हमीद एंड टीम डरा के उसके एक्सट्रैक्शन किया है, उसकी गाड़ी खींच लेके उसको भेज दिए। सो है वो सिर्फ उन्होंने भी इतने दिन डर से दो दिन डर से कंप्लेंट नहीं किए। जब ये लोग गिरफ्तार करके वो हिम्मत आके कंप्लेंट किए, अभी FIR भी करे, अभी इनको पुलिस कस्टडी लेके वो गाड़ी भी रिकवर करेंगे। अभी तक के लोगों पे दो केस आए हैं। नहीं नहीं, अभी तक ये जो अभी तक हमारे इंफॉर्मेशन के हिसाब से हमारे जो भी है इन पे कैसा नहीं है। सिराज बोल के कोई लोकल का हूँ बोल के बता रहा था, फिर भी पूरा तहकीकत कर जाएंगे। सिराज नाम का आदमी प्रेस मीडिया में कभी पहले करा बोल के बता रहा था। ये केस आप कितने घंटों में पहले सिर्फ 4 घंटों में डिटेक्ट कर दिया। फिर आपके पास ही